नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया अपडेट लेकर आया हूँ पोस्ट ऑफिस की रिक्रूटमेंट के बारे में। कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाकर टाइप करना है www.meetacademy.in और वहाँ से आप सारे जॉब रिलेटेड अपडेट जो है वो ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी आप कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना होगा वही मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलता रहे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाए। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जिसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है एस सी एस टी एंड अदर कैटेगरी वालों कैंडिडेट्स के लिए, जो है निल रहने वाली है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैकेंसीज़ की, तो तीन तरह की वैकेंसीज़ हैं MTS, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए, जिसमें MTS के लिए आपकी 28,049 रुपये सैलरी रहने वाली है, पोस्टमैन के लिए 21,700 रहने वाली है और मेल गार्ड के लिए 21,700 यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन MTS के लिए रहेगी 10th पास, पोस्टमैन के लिए 12th पास MTS के लिए, पोस्टमैन के लिए 10th पास एंड मेल गार्ड के लिए 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके लिए, कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई इसके लिए कर सकता है। सिलेक्शन की बात करूँ यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप आपका मेरिट बेसिस पे होने वाला है और यहाँ पे 10th और SSC आपके सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में, तो ये 98,000 प्लस वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन है जो कि जल्द ही आने वाला है, जिसमें GDS भी इंक्लूडेड है। आपको जल्द ही ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। सो आप चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है लेकर आता ही रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मिलेंगे नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।